बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साधु जमात के बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है दबाहु फोर्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कलाबाहु। इसका एक पोर्शन आपने कल पढ़ा, उसमें आपने देखा कि दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड सम 3000 इयर्स बिफोर बाय राजा बहुलोचन, जिसको हम बोलते हैं बहुलोचन जो बादशाह था, उसने 3000 साल इसके कंस्ट्रक्शन की है करवाई है। ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स में है, तो इसकी कई बार रिपेयरमेंट भी हुई है और कई बार पार्टली इसको बनाया गया है कुछ राजाओं द्वारा, जिनमें डोगरा रूलर्स भी शामिल हैं। तो आप इसमें आपने देखा कि ये बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसको बावी वाली मंदिर कहा जाता है, वो जो इसके सहन में है, किले के सहन में है। तो इस वजह से इसको एक मजहबी हिफाजत भी है, यानी मजहबी तौर पर भी इसमें यहाँ लोगों की लोगों का हुजूम रहता है यहाँ पर। तो आप पेज नंबर 44 पर निकाले, जो हम इसका अगला हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। अ मैजेस्टिक गार्डन नाउन एज बाग बहु विथ एक्सटेंसिव लॉन्स ब्यूटिफुली फिल्ड विथ फ्लावर्स एंड प्लांट्स इज अ फेवरेट पिकनिक स्पॉट सराउंडिंग द बहु फोर्ट। The garden has all types of attractions ranging from plants, shrubs, brick trees, flowers and waterfalls. The fort has become a major tourist attraction and a favorite picnic spot. The festival is a very colorful event during which large numbers of people visit the temple in the Bahu Fort to seek divine blessings. There are all sorts of entertainments and eatables for kids and adults. One can have local ice cream, kulfi, malai, barf, sugar cane juice, gol gappe, aloo chole, kachalo, jalebi, etc. There are balloons and cotton candy, especially for children. Monkey wallahs and snake charmers provide great attachment to children. तो यहां पर जब आप देखते हैं इस चीज को, a majestic garden, जैसा इससे पहले भी हमने पढ़ा कि बहुत ही शानदार बाग है ये। इस बाग को जो है, इस बाग को बागी बहु के नाम से, बागी बहु ये आपने अपनी उर्दू किताब में भी पढ़ा होगा बागी बहु के मतलब, क्योंकि ये जम्मू में वाका है और ये बागी बहु जो है किले बहु के इस शहर में ही ये बाग एक है। बहुत ही शानदार बाग है, मैजेस्टिक गार्डन है। अब इसमें क्या है, विद एक्सटेंसिव लॉन्स, इसमें वसी अरीस वो लॉन्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे लॉन्स बनाए गए जिनमें क्या है, ब्यूटीफुली फिल्ड विद फ्लावर्स एंड प्लांट्स। इनमें ये फ्लावर प्लांट्स है, फ्लावर्स हैं और इसमें और कुछ पौधे भी लगाए गए हैं। एंड दिस हैज बिकम ए पिकनिक स्पॉट, फेवरेट पिकनिक स्पॉट हम जिसको बोलते हैं, यानी किसी का कोई चीज बहुत ही जिसके साथ लगा होता है, दैट वी कॉल इज फेवरेट पिकनिक स्पॉट है। ये जो है, ये जो बाग है, बाग बहु जो है, इट सराउंड्स द बहु फोर्ट, ये बहु फोर्ट को के सराउंडिंग इसको, इसके आसपास है और इसको इस वजह से ये बाग, ये जो किला भी है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अब इस बाग की जब हम बात करते हैं, इट हैज गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस, बहुत ही अट्रैक्शन दिल को मोह लेने वाली, दिल को खुश करने वाली इसमें चीजें हैं। उनमें क्या है, उनमें है प्लांट्स है, श्रब्स के बारे में भी आपने पढ़ा, प्लांट्स बारे में आपने पढ़ा, ट्रीज के बारे में आपने पढ़ा, यानी प्लांट्स भी इसमें है, ट्रीज भी इसमें है, श्रब्स भी है, फ्लावर्स भी, और सबसे ज्यादा शानदार चीज जो है, दैट इज द वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स यथ वन झरना,
झरने, इसमें वो झरने भी है, ऊंचाई से पानी जब गिरता है दैट वी कॉल इज वाटरफॉल। द फोर्ट हैज बिकम ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ए फेवरेट पिकनिक स्पॉट। अब इसकी बात जब हम कहते हैं इस किले की बात हम कहते हैं फोर्ट, फोर्ट तो आपको मालूम है ये किला होता है। जब हम इस किले की बात करते हैं ये किला जो है इट हैज बिकम ए मेजर टूरिस्ट स्पॉट, क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन जहां पर जो सयाह लोग है टूरिस्ट होता है। पिकनिकस पे वाली बने मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ ज्यादातर जो है टूरिस्ट घूमने आते हैं। एंड ए फेवरेट पिकनिक स्पॉट, और हर एक का फेवरेट है ये पिकनिक स्पॉट में, जो कोई भी जम्मू जाता है तो उसका दिल जो है उसका दिल जरूर चाहता है कि मैं एक बार इस बहू फोर्ट को देखूं, इस एक बार इस बागे बहू को देखूं, यानी ये बहुत ही एक अच्छा मुकाम है, टूरिस्ट स्पॉट है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप इस जो जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा इसमें आपने देखा कुछ नए वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स को भी आप देख लीजिएगा और इसको एक दो बार दोहराएगा।